बहुत बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि सालों का एक्सपीरियंस ये भी दिखाता है जी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर दुर्बल है जी, और उसके बारे में स्टडीज भी स्पेशली कोरोना के बारे में आई है कि अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है जिसमें कि आपकी शारीरिक प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है जी, या कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है जो कि कंट्रोल्ड नहीं है जी, ये भी बात समझने की सबको बहुत जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है लेकिन कंट्रोल्ड है जी, ब्लड प्रेशर है लेकिन कंट्रोल्ड है जी, हार्ट डिजीज हुई है लेकिन कंट्रोल्ड है जी, पहले कभी कैंसर हुआ था अभी ठीक है जी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है, डरने की जरूरत जी। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब हम मानसिक रोग के शिकार होते हैं जी, या मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जी, या तनाव ग्रसित होते हैं तो ऐसे समय में हमारी सारी जो शरीर की एनर्जीज हैं अपने तनाव से लड़ने में चली जाती है जी। तो बाहरी कोई भी अगर संक्रामक चीज होती है वायरस आता है तो हम उससे नहीं लड़ पाते। जो हमें सबको समझने की जरूरत है कि कोरोना ऐसी चीज नहीं है जो जिसको अगर छू जाएगा तो वो उसको मार देगा। 80% तो ऐसे केसेस हैं जो कि जिनको पता ही नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है, जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। बाकी लोगों में भी वो आता है, थोड़े दिन रहता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ठीक हो जाता है। करीबन 3% से 4% ही ऐसे लोग हैं जिनमें वो ज्यादा सीवियर केसेस के रूप में आता है और वहां पे जो आपकी मानसिक शक्तियां हैं जी, जो आपकी सोच है जी, जो सकारात्मकता है जी, जो आशावाद है जी, जो दूसरों से मिलके एक चीज को हराने की मन में इच्छा है, दूसरों की मदद करना जिसको हम इंग्लिश में ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं जी, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुद ही शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं जिससे कि हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है जी, अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहते हैं जी, अगर हम सकारात्मक रूप से पूरे देश को या अपने समाज को कम से कम कुछ देने की कोशिश करते हैं जी, तो जो सकारात्मक तरीके से हमारे अंदर तरंगे पैदा होती हैं वो भी रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को बढ़ा देती है। प्लस ये सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए नहीं है जी, आने वाले समय में एक तरह से ये आपदा भी है जी, लेकिन आपदा के साथ अवसर भी है जी। जैसे कि आपने शुरू में ही प्रोग्राम में कहा कि कई लोगों को फ्यूचर का बहुत डर है जी, पैसे का डर है जी, अपनी जॉब का डर है, स्टूडेंट्स को एग्जाम का या अगले कोर्सेज का डर है जी, तो वो डर के बारे में अगर हम अभी हमेशा ही सोचते रहेंगे जी, तो उस समय पर जो अवसर आएंगे जी उन्हें हम देख नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक, हम आपदा के तरीके से ही सोचते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि क्या क्या गलत हो सकता जी, लेकिन उसमें जो अवसर उभर के आ रहे हैं मैं समझता हूं अपने हिसाब से कि आज से आने वाले अगले 2-3 वर्षों में जी, हमारे पूरे समाज के सामने जी, जो पहले था जिसको जी, हम बिजनेस एज यूजल कहते हैं जी, वो बिजनेस एज यूजल नहीं चल रहा था जी, क्योंकि अगर हम अपने रिवर्स को देखें, अगर हम अपनी हवा को देखें, पानी को देखें, खाने को देखें या समाज में क्राइम्स को देखें जी, या जो जितना की अंतर है जो कि टॉप के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है और बॉटम पे लोग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है तो ये एक तरह से मौका है अवसर है उन सब चीजों को ठीक करने का।